हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं अपना फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट के फाइनल ईयर जो मास्टर की स्टूडेंट है, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। और इस बार हम लोग का फाइनल वो डिस्प्ले चल रहा है, जिसमें कि सभी स्टूडेंट अपना अपना वर्क अपने अपने तरीके का लगाए हैं, काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट, काफ़ी क्रिएटिव। और ये है बनारस यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट। इसमें सभी स्टूडेंटों ने अपने अपने स्टाइल में काम करके अपने अपने पेंटिंग को डिस्प्ले किया। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं पेंटिंग कैसा बना है, यहाँ पर कौन किस तरीके का काम किया है। ये मेरा दोस्त, ये भी पेंटिंग बहुत बढ़िया करता है। आज डिस्प्ले है फाइनल ईयर का। तो थोड़ा सा आप लोग को पहले हम फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट का जो मेन लोगो है वो दिखा देते हैं, उसका नाम, उसका ब्रांड, उसके बाद चलेंगे अंदर। ये है भाई संदीप, जो ये है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट। और ये रूम में तो वीडियो एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, ताकि सभी लोग बाद में अपना वर्क को देख सकें कि कौन सा वर्क कैसा बना हुआ है। चलिए आपको फिर से एक बार, अभी ये फैकल्टी पूरा एकदम अच्छे से बना है। हम लोग का कई सारा सेमेस्टर इसी में चला, मगर अब तो काफ़ी मॉडिफाई हो गया है फैकल्टी, कलर, पेंट, अंदर का टाइल्स वगैरह सब एकदम मस्त हो गया है। तो चलते हैं अंदर और अंदर जाकर देखते हैं सबका वर्क, और सबके वर्क के बारे में पूछा जाएगा कि कौन कैसा वर्क करता है, या फिर इस वर्क का क्या थीम है। सभी स्टूडेंट अपने अपने वर्क को अपने अपने थीम के अकॉर्डिंग बनाए हैं। किसी ने क्रिएटिविटी दिखाया है, तो किसी ने किसी का दर्द दिखाया है, तो किसी ने किसी को कंपोजिशन में एडजस्ट किया है। वह एंट्री कर रही हैं फैकल्टी में। ये हम लोग का ऑफिस, और ये है आज टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का भी डिस्प्ले है, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। मगर पहले पेंटिंग के चलते पेंटिंग देख लेते हैं, उसके बाद टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के साइड चला जाएगा। ये है विकास भैया, जो अभी वर्क लेकर जा रहे डिस्प्ले करने के लिए। काफ़ी लेट चल रहे हैं भैया जी, बहुत मेहनत करते हैं। और ये है विक्रम भैया, ये भी बहुत मेहनत करते हैं। और ये है एक बंगाली, एक पंजाबी। अच्छा, यहाँ पर आ गए मिसा कस्मिता, अभी सब लगे हुए मेहनत कर रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए। तब तक अंदर हो लेते हैं पेंटिंग डिपार्टमेंट के मेन, जहाँ पर क्लास वगैरह चलता है। क्या घट गया? एक क्यों खाना भाई नहीं है। एक क्यों क्यों खा हुआ? यह है गुरु जी, जो कि हम लोग को सारा सामान अवेलेबल कराते हैं। किसी को जो भी चीज़ चाहिए होता है, किसी को गनर, किसी को बीट, किसी को पेपर, सभी चीज़। अभी चल रहा है मास्टर बैचलर वालों का क्लास, यहाँ पर आज एग्ज़ाम है इन सब का, स्किल लाइफ पोर्ट्रेट स्टडी का, पोर्ट्रेट स्टडी क्लास। इधर चंदन भाई का काम लगा हुआ है, और इधर संदीप का, इधर लालचंद्र का, इधर विपिन का, सभी ने अपने अपने वर्क को अपने अपने तरीके से यहाँ पर अरेंज करके डिस्प्ले किए हैं। ये लालचंद्र का है, जो अपने विलेज को लेकर काम करता है, विलेज में क्या है, कैसे है, उसको ऑब्स्ट्रैक्ट तरीके से दिखाने का प्रयास करता है। और ये है विपिन का वर्क। इन सभी के वर्क के बारे में हम आपको बताएंगे उन्हीं के जुबान से, उसके पहले देख लेते हैं वर्क को, कौन सा वर्क कैसा है। ये चंदन भाई है, मेहनती बंदा है, हर एक तरीके से काम करता है, परफॉर्मिंग आर्ट, इंस्टॉलेशन आर्ट, कैरिकेचर टाइप का वर्क, क्रिएटिविटी वर्क, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वर्क, हर मीडियम में इस ये काम करता है। और ये है संदीप का, संदीप इस बार काफ़ी क्रिएटिव वर्क किए हैं। तो इन सब के वर्क के बारे में हम
इन्हीं से पूछेंगे। फिलहाल में आपको हम एक ओवरऑल दिखा देते हैं कि इस तरीके का डिस्प्ले है। बीच में मास्टर्स का बैचलर होगा, बैचलर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम में जो स्किल लाइट दिया गया है वो स्टडी हो रहा है, वो देखा जा रहा है कि कोई कुछ किस तरीके का लाइट सेट दिखा सकता है, तो उसी के हिसाब से उसको मार्किंग दिया जाएगा। और इस तरफ है मास्टर्स वालों का क्लास, ये बंदा बार बार हमें परेशान कर रहा है, आगे आ रहा है, ये चाहता क्या है पता नहीं। चलो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं सबका पर। बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर हुआ है ताकि किसी का पेंटिंग वेंटिंग अगर कुछ होता है तो अच्छे से उसको बचाया जा सके। आग वाग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए सिस्टम रखा गया है। ना ये पता नहीं चलता, यहाँ पर साइन है सिंहनाथ विश्वकर्मा, तो ये सर जिस बार महाभारत पर सीरीज वर्क किए हैं जो कि काफ़ी सुंदर है। और ये है संदीप का जो मेरे साथ था, और इसका भी वर्क उसी टाइप का है मगर ये आदिवासियों के ऊपर काम किया है। और इसके बाद ये है अंशुल का, अंशुल भी अपने तरीके से चीज़ों को बनाए, ये बेसिकली चाय वाले बागान पे काम करता है क्योंकि ये असम से है, असम पे उस चीज़ का काफ़ी चाय वगैरह काफ़ी होता है ना, इसलिए उस वहीं वो असम पे जो उसके विलेज में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से इंस्पायर होकर वो काम किया है। और ये है प्रिया, इसने अपने वर्क को लेडीज फॉर्म को लेकर काम किया, लेडीज़ फिगर को लेकर काम किया, और उसके इमोशंस को या फिर अपने भाव को इमोशंस को लोगों को कुछ कैसे लोग दिखा नहीं सकते, घेरे हुए हैं बड़े सारी परेशानियों से, उस तरीके का कुछ। ये तो मेरा एक देखने के नज़रिया पेंटिंग को, बाकी इस सभी पेंटिंग के बारे में उन्हीं से पूछेंगे तो काफ़ी बेटर सीन होगा। ये वर्क है शिवांगी सिंह का, शिवांगी बेसिकली अपने फैमिली के ऊपर काम करती हैं, फैमिली को लेकर के ही पेंटिंग करती हैं, तो इनका भी काम एक अलग स्टाइल का है, अलग लेवल का है। सभी वर्क फिगरेटिव होते हैं मगर सभी वर्कों में आपको आई नॉर्मली देखने को मिल जाएगा, वो सभी पेंटिंग में आई को प्रेजेंट करती हैं। और ये प्रेजेंट क्यों करती है इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। उसके बाद ये है एक हमारे सीनियर भैया, उनका सीनियर नहीं क्लासमेट ही है मगर काफ़ी हम लोग से बड़े हैं तो इसलिए हम लोग भैया बोलते हैं। और ये है इनका वर्क भी डेथ पर है, मैंने जहाँ तक इनके वर्क के बारे में इनसे पूछा था तो ये बोले थे क्या रहा है लाइफ अकेल, इनके वर्क के बारे में हमने जब इनसे पूछा तो ये महाभारत के बारे में जब भारत आज़ाद हुआ था उसके पहले क्या क्या चीज़ें वहाँ पर किस तरीके का कंडीशन था उस पर इन्होंने काम किया है और ये जिस तरीके का स्टाइल इनका काम बनने का, मैंने इनसे जितना पूछा था ये हमें यही बताया था कि जो आज़ादी के पहले जो लड़ाइयाँ हुई थी उन सब लड़ाइयों को लेकर मैंने काम किया है, उस समय आम लोगों का क्या स्थिति था उस पर मैंने काम किया है। तो बाकी भैया था इस विषय पर आपका वर्क। और ये है रवि का, रवि कुमार जो ऑब्स्टेक फॉर्म में काम करते हैं, और इन सभी वर्क का इनका एक अपना थीम है, और इन सभी वर्क के बारे में इनसे हम पूछेंगे जो काफ़ी अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी तो हम देख करके ओवरऑल क्या समझ पा रहे हैं वर्क को उस हिसाब से आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम इन्हीं से इनके वर्क के बारे में सारी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है रवि भाई, और भाई का ही काम है ये, इसी तरीके से फिगर्स को लेकर काम करते हैं। पिछले बार के अकॉर्डिंग मैंने पिछले बार इनका वर्क देखा था तो इसी तरीके का था मगर उसमें फिगर को इंक्लूड कम किया गया था, बहुत कम, मगर इस बार अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही काफ़ी फिगर को भी ढूंढा गया है तरीके से। जैसे यहाँ पर आप एक चेहरा देख सकते हैं, यहाँ पर छुपा हुआ किसी बच्चे का चेहरा, और यहाँ पर एक घमन फिगर देख सकते हैं, उसी तरह यहाँ पर एक फेस देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या थीम है या क्या मतलब है इनसे हम पूछकर और अच्छे से समझ लेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। यह है विकास कुमार चौधरी जो कि शिव जी के ऊपर काम करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होने की वजह से
या यूँ कहे बनारस में होने की वजह से, ये बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं शिव जी के डमरू के द्वारा, शिवलिंग के द्वारा, शिव जी की आकृति के द्वारा। ये है बनारस यूनिवर्सिटी का दृश्य कला संकाय। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, अपने काम को प्रेजेंट करते हैं। हमने अब तक इनका जितने भी वर्क देखे सभी में आपको कहीं ना कहीं बनारस की चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जिसमें शिव जी से संबंधित चीज़ें जरूर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद ये है जागृति गुप्ता, जो इस बार काफ़ी अच्छा काम की है। हर बार इनका अच्छा ही काम होता है। कहीं ना कहीं 3D पन को पिछले बार भी इन्होंने दिखाया था और इस बार, मगर इन सभी वर्क का थीम क्या या फिर ये किस तरीके का बनाई है, इसको हम उन्हीं से पूछेंगे जो काफ़ी अच्छे तरीके से हमें समझा देंगे। अलग अलग टेक्चर, अलग अलग फॉर्म को लेकर 3D इल्यूजन क्रिएट किया गया है। तो अभी आपको ओवरऑल पेंटिंग दिखा देते हैं, उसके बाद हम इनसे ही इनके पेंटिंग के बारे में पूछ करके और अच्छे से समझेंगे कि क्या है पेंटिंग। उसके बाद ये है मेरा वर्क। मैं भी आपको उसी टाइम बताऊंगा कि मैंने ऐसा काम क्यों किया है। मैंने ये सभी वर्क बेसिकली डेथ पर किया है, और ये सभी जो डेथ पर मैंने वर्क किया है वो सेल्फ से रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने इस तरीके का फॉर्म सुना और उसको अपने पेंटिंग के तौर पर दिखाने का प्रयास किया। इन सभी पेंटिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा, या फिर इसी में, ये लार्ज वीडियो होने वाला है, तो उसमें आपको सभी पेंटिंग का डिटेल और उसके विषय में क्या चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाए। और ये है सभ्यता रॉय, जिन्होंने अब्स्टेक एक एक्शन पेंटिंग टाइप का इन्होंने काम किया है। एक्शन पेंटिंग के समय एक आर्टिस्ट थे, नाम उनका अभी तो नाम नहीं याद आ रहा है, उनके मतलब वो इस तरीके का काम या फिर कलर थीम इसी तरह टाइप का है। बाकी सबका सोच, सबकी थीम क्या है वो उनसे पूछ करके और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। और ये है उनका मास्टर्स का सेकेंड वर्क, मतलब इसमें मास्टर्स फर्स्ट ईयर का क्लास चलता है, उसमें मास्टर्स सेकेंड ईयर का, मगर जब डिस्प्ले होता है तो सभी साथ मिलकर डिस्प्ले करते हैं। और ये वर्क है, पहले आपको एक बार दिखा देते घुमा करके किसका क्या वर्क है, उसके बाद हम आपको हर एक वर्क के बारे में उन्हीं से पूछ करके आपको डिटेल में जाने का कोशिश करेंगे। ये वर्क किसका है? सालनी का है। ये वर्क है सालनी मौर्य का, जिन्होंने अब्स्टेक तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया है। यहाँ पर हम लोग का टॉपिक ही था अब्स्टेक, तो अब्स्टेक को लेकर के कुछ लोग सेमी अब्स्टेक, कुछ लोग फुल अब्स्टेक, कुछ लोग फिगरेटिव, मतलब अब्स्टेक के इर्द गिर्द इस तरीके का काम किए हैं, और उसमें क्या कौन क्या रिप्रेजेंट किया है उनसे हम उसकर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। यह है सालनी मौर्य, इन्हीं का है वर्क। इसके बाद हम आते हैं कौशल कुमार की तरफ, ये भी कौशल भाई का वर्क है, अगर आप देख सकते हैं कौशल भाई का। और इन्होंने भी अपने काम में सभी चीज़ें अच्छे से प्रेजेंट किए हैं। और ये क्या इनका थीम है या फिर क्यों ऐसा ये काम करते हैं, तो इनसे हम जानेंगे और इसके बारे में और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। फिलहाल में आपको हम इनका थोड़ा सा वर्क दिखा देते हैं कि किस तरीके का ये काम करते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल यानी ऑर्गेनिक फॉर्म, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म या ऑर्गेनिक फॉर्म, इन दोनों को मिला जुला वो प्रेजेंट किए हैं। ये है सुमन मौर्य, इन्होंने टेक्चर को लेकर काम किया है, अलग अलग टेक्चर अलग अलग तरीके से कैसे दिखा सकते हैं, आप इनके वर्क को करीब से देख सकते हैं। इसमें जो जो टेक्चर इन्होंने दिखाया है, ये सभी टेक्चर का एक राज है, कैसे ये टेक्चर क्रिएट होता है इसके विषय में हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। और ये अब तक जितने भी काम किए हैं टेक्चर ने, सभी पेंटिंग का टेक्चर एक अलग अलग चाहिए और एक अपना वैल्यू रखता है, और उन सभी टेक्चर का लाने का प्रोसेस क्या है इसके विषय में हम इनसे जानेंगे और समझेंगे कि ये सारे टेक्चर किस तरीके से पेंटिंग में हम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक आर्टिस्ट का अपना स्टाइल है, अपना क्रिएटिविटी है, जिसे वो निखारता चला जाता है पेंटिंग में करते हुए एक के बाद एक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। एक ओवर व्यू आपको, मतलब मेरे नज़रिए से पेंटिंग कैसा है या क्या दिखता है उसको मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आर्टिस्ट से मैं स्वयं पूछूंगा कि आप
ऐसा बात क्यों कर रहे हैं? ये वर्क है वंदना यादव का, जिन्होंने अपने वर्क को फिगरेटिव और अब्स्ट्रैक्ट फ्लावर वगैरह को लेकर, सभी को लेकर, फॉर्म को लेकर एक नया क्रिएटिविटी दिखाई है। तो ये सब वर्क आप देख सकते हैं कि इसमें सर्कल के अलग टेक्चर, सर्कल के बाहर अलग टेक्चर, इनका इनके सभी वर्क में अपना एक अलग स्टॉक टेक्चर आई निकल रही है। उनको ऐसा लगता है जो आई में जो टेक्चर मिलते हैं अलग अलग आंखों में, उस तरीके का इसमें टेक्चर है। उसके बाद इसमें पेड़ और फिगर, मतलब इंसान का फिगर और नेचर का फिगर बोल सकते हैं, फ्लावर वगैरह, पेड़ वगैरह, तो इन दोनों का फिगर इसमें कम्बाइन करके नया क्रिएशन किया गया है। वंदना कुमारी, गरे वंदना यादव, गरे वंदना कुमारी, इन्होंने भी फिगर नेचर और आई थिंक हमको लगता है ये पेंटिंग ह्यूमन फिगर और नेचर को लेकर है। जिस तरीके से नेचर बहुत सुंदर बोलते हैं उसी तरीके से, नहीं जिस तरीके से ह्यूमन फिगर बहुत सुंदर बोलते हैं उसी तरीके से नेचर को भी बोलते हैं, या बोल सकते हैं नेचर और ह्यूमन फिगर, इन दोनों एक तरीके से सुंदरता के तौर पर देखा जाता है। कितने सुंदर लग रहे हैं नेचर, ये प्रकृति कितना सुंदर लग रहा है, ये फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है, वैसे ये ह्यूमन कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, इस तरीके से जो होता है ना तालमेल बैठाना, तो हमको लगता है उस पर इन्होंने काम किया है कि इनसे जानकर और अच्छे से समझेंगे कि ये सब पेंटिंग किससे किस फेस पर किया गया है। ये है जिन्होंने अपने वर्क को, फिगर को और फॉर्म को लेकर काम किया है, और इन्होंने जो भी फॉर्म क्रिएट किया है वो सभी फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट में भी फिगर को दिखाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं इसमें वुमन फिगर और लेडीज एंड जेंट्स फॉर्म क्रिएट करने का प्रयास किया है, और इसमें ये अलग अलग तरीके का कलर को रखना, फिगर को पूरी तरह से क्लीन अच्छे से नहीं बनाना, और ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में एक डॉडलिंग टाइप का फॉर्म क्रिएट होना, इन सब फॉर्म के पीछे का राज हम उन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे, मृणालिनी से। और ये है नेहा। नेहा बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग में काम कर रही है। इन्होंने अब तक जितने भी वर्क किए वो मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड ही किया है, तो इनका लाइन ड्राइंग करने का कमांड बहुत अच्छा है। जैसे मिनिएचर पेंटिंग में काम किया जाता है उस तरीके से इन्होंने काम अभी तक जितने भी काम किए उस तरीके से किया, और सभी पेंटिंग में लाइन ड्राइंग को इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट लाइन ड्राइंग को इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, और इस हिसाब से अपने पेंटिंग को क्रिएट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी पेंटिंग में कितने अच्छे से लाइन ड्राइंग किया गया है, और इसमें इन्होंने कलर भी किया है, मगर पहले का जो मिनिएचर स्टाइल था, पहले के मिनिएचर स्टाइल को या पहले के मिनिएचर स्टाइल का लाइन ड्राइंग इन्होंने नए तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने इसमें भी लाइन ड्राइंग करके चीज़ों को क्रिएट किया है। अभी इनका रियल काम डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से, अभी वो सब शायद लेआउट था। आप देखिए जैसे यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिल रहा है, वही मिनिएचर स्टाइल है। है नेहा, और इनसे जानने का कोशिश करेंगे फिर, नेहा इनसे फिर अच्छे से इनके वर्क के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। ये है अर्चना कुमारी का वर्क, इन्होंने, ये है अर्चना। अर्चना हाय, आप किससे काम किया वैसे? बनारस का, बनारस घाट इन्होंने काम किया है। बनारस घाट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, और इसमें आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म के थ्रू बनारस घाट को देख सकते हैं, इसमें कि कोई भी नॉन ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं है, सभी ज्योमेट्रिकल है, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, इसी तरह इसमें है। तो सभी पेंटिंग में क्या प्रभाव है या क्या इसकी इम्पोर्टेंसी है, हम इन्हीं से जानेंगे। आपको एक ओवरऑल दिखा देते हैं कैसा कैसा पेंटिंग बना हुआ है। लेकर किया गया काम, वंदना तुम्हारा है वर्क,
मना है? बहुत बढ़िया। किस पे है वैसे? नेचर को लेकर? कैसे नेचर दबा हो रहा है उस चीज को जिन्होंने नेचर पे? अभी आपसे पूछा जाएगा अच्छे से, बताना कौन सा वर्ड किस पे है। इन्होंने नेचर को लेकर काम किया, किस तरीके से नेचर तबाह हो रही है उसको, वो अलग अलग तरीके से इस तरीके का नेचर प्रेजेंट करने का क्या मतलब, इसको भी हम पूछेंगे। और बर्ड लाइन करेंट से, लाइन से कैसे मर जाती है उसको लेकर इन्होंने काम किया। और इसकी बात ये है श्वेता विश्वकर्मा, ये है कांचा, श्वेता विश्वकर्मा, ये है श्वेता विश्वकर्मा का वर्क। इन्होंने फिगरेटिव वर्क बहुत करते हैं और ये फिगरेटिव वर्क में इस बार थोड़ा क्रिएटिविटी भी इंक्लूड किए हैं, आप देख सकते हैं। श्वेता, आपका फिगरेटिव वर्क ज़्यादा रहता है ना? तो अभी वर्क के बारे में इनसे जानने का कोशिश करेंगे हम, क्यों ऐसा किया, इसका फिगर का क्या मतलब है, ऐसा फॉर्म इन्होंने क्यों बनाया है, कि हाथ में एक तरफ आरी एक तरफ पिंजड़ा लेने का क्या मकसद है। अभी हमको आई थिंक लगता है इन्होंने भी नेचर पे ही काम किया, नेचर कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है उस पर, तो अभी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आएंगे फिर ओरिजिनल इंटरव्यू की साइड और जानने का कोशिश करेंगे क्या है। ये सौरभ श्रीवास्तव का वर्क, इन्होंने ये सारा वर्क नहीं कहा है। और इन्होंने जो हमारा मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उस पर इन्होंने काम किया है। और इन्होंने अब जो सृष्टि के कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उस पर इन्होंने काम किया है, जैसे कि ये ब्रह्मा जी पर है, विष्णु जी पर है और ये महेश पर है। तो ये जो भी पेंटिंग है उन्होंने बनाए इस तरीके से कि इनका क्या रोल हमारे मैथोलॉजिकल स्टोरी में या फिर रियल में, तो उसको लेकर इन्होंने काम किया है। चलिए,